हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एस डायरीज। हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी है स्किलेट कुकी रेसिपी और ये बहुत मज़ेदार है। आप लोगों को डेफिनेटली ये ट्राई करनी चाहिए। रेसिपी को अच्छे से बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें और पूरी तरह से सीखें। तो चलें चलते हैं मेरे किचन में और बनाना शुरू करते हैं स्किलेट कुकी। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, 1 कप आइसिंग शुगर, 1 कप ब्राउन शुगर, 1/4 कप ऑयल। आप बटर भी यूज कर सकते हो पर मेरे पास इस टाइम ऑयल अवेलेबल था। 1 अदद रूम टेम्परेचर अंडा, 1 के बाद अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लें और ये डो को नीड करना स्टार्ट कर दें। जब आपका डो क्रम्बली शेप में आ जाए तब उसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का ऐड कर लें और दोबारा से उसे नीड कर लें जब तक कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नीड नहीं हो जाता। जब हमारा डो बहुत अच्छे से नीड हो जाए तब हम उसके अंदर चॉकलेट को छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर ऐड करेंगे। मैं इसमें कुकिंग चॉकलेट के छोटे छोटे क्यूब्स करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी कुकी के अंदर चॉकलेट सॉस पसंद है। आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट चिप्स उस तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं आते, वो अपने शेप में ही रहते हैं जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया है। इस तरह छोटे छोटे चॉकलेट के क्यूब्स काट लें। उसके बाद जो डो आपने पहले नीड किया था उसके अंदर ये चॉकलेट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने 7 इंच की स्किलेट यूज़ की है। जिन लोगों के पास घर में स्किलेट अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ये कुकी स्किलेट के अंदर ही बनाओगे। अगर आपके पास कोई 7 इंच का केक पैन भी मौजूद है तो आप उसके अंदर भी ये कुकी बना सकते हो। कुकी को बेक करने से पहले तकरीबन 15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर अपने ओवन को प्री हीट कर लें और उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए इसको बेक कर लें। सर्व करने से पहले आपने तकरीबन 20 मिनट्स इसको ठंडे होने के लिए रख देना है और उसके बाद आपने इसे सर्व करना है। आप इसको स्किलेट के अंदर ही सर्व करें या जो भी सांचा आपने इसको बनाने के लिए यूज़ किया है उसी के अंदर इसको सर्व करें। हमारी मज़ेदार गुई स्किलेट कुकी तैयार है खाने के लिए। मेरे मुँह में तो पानी आ गया है। तो जल्दी से जाएँ अपने किचन में और बनाएँ स्किलेट कुकी। और जब तक हमारी न्यू रेसिपी आती है हमारी तरफ से बाय।